जेरी फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। आज बनाएंगे रोगनी नान विदाउट ओवन विदाउट तंदूर, तवे के ऊपर बनाएंगे। और इस रेसिपी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो ये कि आपने कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना होता, वरना अच्छा नहीं बनेगा घर पे। तो ज्यादातर लोगों का ये होता है कि वो तवे के ऊपर जो है चिपकता नहीं है, गिर जाता है, अच्छा नहीं बनता, अंदर से कुक नहीं हो आता। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलो शुरू करते हैं, परफेक्ट नान बनेगा। चलें जी, सबसे पहले तो आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें ऐड कर देनी है 1 टेबलस्पून भर के चीनी, 1 टीस्पून आ जाएगा नमक, आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा 4 टेबलस्पून भर के नीम गर्म पानी लेना है। कोई भी चीज़ आपने खुद से ऐड नहीं करनी, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही रखनी है। नीम गर्म पानी लेना ज़रूरी है, जैसे जैसे मैं बताऊँगी, रूम टेम्परेचर भी ले सकते हैं लेकिन नीम गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर आपने ऐड कर देना है जी 1/2 कप नीम गरम दूध, ठीक है। आप ठंडा नहीं ऐड कर सकते वरना नान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर से अच्छे से मिक्स करना है। फिर बारी आ जाएगी जी ईस्ट की, ऐसी बहुत सिंपल सी इसकी डो बनेगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। अब ईस्ट जो है इस रेशो का आपने ख्याल रखना, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और चीनी इसलिए डाली थी ताकि ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो ईस्ट है वो अच्छी तरह से फूल के ऊपर आ जाए। अब ज़्यादातर ये होता है कि ईस्ट ख़राब होती है, फूलती नहीं है, तो आप ऐड कर देते हैं, फिर वो डो अच्छी नहीं बनती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने हर चीज़ कर रही हूँ ताकि आपको खुद ही पता चल जाए। देखें, ईस्ट किस तरह से फूल चुकी है, ऊपर आ चुकी है। अब इसको मिक्स करके साइड पर रखेंगे, इसका मतलब है कि ये वाला मिक्सचर जो है ना, ये परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद बारी आएगी मैदे की, तो मैंने 4 कप टोटल मैदा लिया है, लेकिन मैं ना पहले 2 कप ऐड करूँगी बिगनर्स के लिए, ताकि सीखने में आसानी हो। 1 टीस्पून आ जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 2 टेबलस्पून भर के आ जाएगा दही, 1 टेबलस्पून ऑयल, अगेन वही बात है कि दही मैंने रूम टेम्परेचर लिया है, 1 रूम टेम्परेचर अंडा भी आ जाएगा। अंडा ऐड करने का मकसद टोटली यही है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट बने, फ्लफ़ी बने, बहुत प्यारा भी लगे, मज़े का भी बने। तो उसके बाद हमने जो पानी वाला मिक्सर है वो ऐड कर देना है, दूध और पानी वाला, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैदा डालते जाएंगे, इसको गूंदते जाएंगे, ठीक है। जितने में सारा मैदा भी ख़त्म हो जाएगा और पानी भी ख़त्म हो जाएगा और डो ऐट दी एंड सॉफ्ट सी बन जाएगी। अब डो का ख्याल ये रखना है कि ये हार्ड वाली साइड पे भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि दरमियान नहीं होनी चाहिए। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, आपका घर में इतना ज़बरदस्त नान बनेगा ना, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा जो फ्लेवर होगा वो आपको घर में मिलेगा। थोड़ा सा गूंद के आपने रख लेना है, ऑयल लगा के रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप बाउल में ऑयल लगा दें, उसके ऊपर भी, फिर डो के ऊपर भी ऑयल लगाइएगा। और फिर हमने इसको 2 घंटे रेस्ट देनी है, डिपेंड करता है कि आपके पास मौसम कैसा है, अगर ठंडा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। ओवन में मैं रख रही हूँ उसको 2 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं आपको सामने दिखाऊँगी। ये साइज़ में डबल हो चुकी होगी, कवर करके रखिएगा, ठीक है, वरना ऊपर से वो सूख जाएगी। तो यहाँ पर देखें जी, साइज़ में डबल हो चुकी है। अब हमने मुक्के रसीद करने हैं इसको जितने हो सके, इस तरह से भी थोड़ा सा गुंज जाएगा। उसके बाद हमने इसकी बॉल्स निकाल लेनी है। अब मैं इसके बनाऊंगी 3 नान, ठीक है। बॉल्स जो इसके बनाने हैं वो आम जितने आप रोटी के बनाते हैं उससे 2 गुना बड़े रखने हैं आपने, ताकि नान थोड़ा फूला फूला अच्छा बने। और इसके मैं 3 बना लूँगी टोटल। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप किस चीज़ के साथ नान खाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर चने होते हैं, निहारी होती है, तो आपका फेवरेट क्या है। और नेक्स्ट रेसिपी फिर मैं वही आपके लिए बनाऊंगी। लाहौरियों की ख़ास तौर पे हम ये रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, और लाहौरी जो हैं वो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनको इस तरह के नान कभी मिले हैं, या बाहर से खाए हैं तो घर वाले बना के एक दफ़ा टेस्ट करके बताएं कैसे बने हैं, बाहर से अच्छे बनेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सूखा डस्ट करके, अच्छा पेड़ों को 10 मिनट रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हमने नान को कुछ इस तरह से शेप दे लेनी है। अब डिज़ाइनिंग इसकी करना भी मैं सिखाऊंगी, साथ साथ आप ना 1 अंडे की जर्दी लें, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके मिक्स करके साइड पे रख लें। अब ना मैंने एक छलनी लिया, उसके ऊपर मैंने किचन टॉवल लगा के ना ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सूखा डस्ट करके और नान को ऊपर डाल के उसकी पिछली साइड पर बड़ी अच्छी तरह से पानी लगा दिया हुआ है। ये भी मैंने साथ कर लिया हुआ है, और साथ साथ मैंने देगचा रख दिया है चूल्हे के ऊपर। कोई कढ़ाई ले सकते हैं, जो हो ले सकते हैं। मोटे पैंदे वाला आपने लोहे का तवा लेना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। नॉन स्टिक के आप नहीं बना सकते, वो इतना गर्म हो चुका है कि पानी बबल्स हो रहा है,
तो आपने नान की पिछली साइड पे अच्छी तरह से पानी लगा के फिर नान ऊपर डालना है, वरना नान चिपकेगा नहीं, गिर जाएगा। अब आपके सामने होगा, मैं आपको दिखाऊंगी डिज़ाइनिंग सारी बाज़ार से अच्छी करके दिखाऊंगी, तो देखते जाइए। इस तरह से आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि नान गिरेगा भी नहीं। अब स्पैचुला लेके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है और मेरे ख्याल में तो ये बाज़ार से अच्छी है। आप बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है देखने में। इस तरह से आपने डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अगर आप पहले ये वाली डिज़ाइनिंग करके ऊपर डालेंगे ना नान, तो ये डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप अगर बिगनर्स हैं तो तब आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कीजिएगा। सारे के ऊपर हम कर लेंगे, बड़ी आसान सी है। साथ साथ इसको पकते हुए 4 मिनट हो जाएंगे, हमने टोटल 4 मिनट इसको इस तरह से पकाना है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम मीडियम करके छोड़ दें। ऊपर हमने जो जर्दी और दूध का मिक्सर बना के रखा हुआ है वो लगाना है। ये बड़ा परफेक्ट कलर आएगा, बड़ा प्यारा नान बनेगा, लुक में भी एक चीज़ अच्छी लगनी चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि ऊपर जो है वो दूध लगा देते हैं। दूध मेरे ख्याल में चिपका चिपका सा हो जाता है, वो ना लगाइए। दूध और जर्दी मिक्स करके लगाइए, एक तो बड़ा प्यारा कलर आएगा, दूसरा ये बड़ा अच्छा लगेगा। और ऊपर जो ज़ीरा लगाते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता टेस्ट में। अगर आपको अच्छा लगता है तो लगा सकते हैं, लेकिन तिल जो है वो ज़रा अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे खुद देख लें कि नान बिल्कुल भी नहीं गिर रहा, कैसे चिपका हुआ है। अच्छी तरह से सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके बनाइएगा। अब हमने फ्लेम जो है मीडियम ही रखा हुआ है और इसको हमने उल्टा करके रख देना है नान को, ताकि ये ऊपर वाली साइड से भी पक जाए। आप खुद देख लें नान गिर नहीं रहा, और यहाँ पे कलर देख लें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है, कितना प्यारा लग रहा है नान, मतलब कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मेरे तो मुँह में अभी से पानी आए जा रहा है। अब देखें इसको उतार लेते हैं, और इसी तरह से हमने सारे नान तैयार कर लेने हैं। पीछे से देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है, कोई जला हुआ नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़ा सुपर मॉइस्ट नान हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये वाली रेसिपी आपने घर में एक दफ़ा ट्राई करके मुझे बतानी है। ये स्पेशल लाहौरियों की रेसिपी है, और लाहौरी तो ज़रूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि किसके साथ नान खाना पसंद करते हैं, फिर नेक्स्ट रेसिपी वो बनाएंगे, ठीक है। ये रेसिपी टोटली लाहौरियों के नाम है। यहाँ पे देखें जी, तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।